हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पुरवे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7th ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स पार्ट 7। इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑन टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। केस फर्स्ट, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइन। लाइक मीन्स सेम साइन। वी फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट of their absolute values regardless of their sign and give plus that is positive sign to their product। यानी दो इंटीजर जो सेम साइन का हो, लाइक साइन का हो, तो उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? तो चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा सेम आता है, डेट इज पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो साइन को छोड़ करके हम लोग उस दोनों इंटीजर के एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसके पीछे हम लोग प्लस साइन पुट करेंगे, डेट मीन्स पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हेयर टू इंटीजर्स बोथ आर पॉजिटिव। फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 22 and 4, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 22 and 4 दैट इज 88, एंड वी पुट द साइन पॉजिटिव। हेयर ऑल्सो बोथ आर सेम, बोथ नंबर आर ऑफ सेम साइन, सो हेयर ऑल्सो वी फाइंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 7 multiplication 8 that is 56 and put before it positive sign plus sign. Now case second, to find the product of two integers with unlike signs. Unlike sign means not same sign, that is one is positive and another is negative. We first find the product of their absolute value regardless of their signs and give minus sign that is negative to their product। दो ऐसे नंबर जो सेम साइन का नहीं हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव, तो उस वैसे कंडीशन में भी हम सबसे पहले उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और उस प्रोडक्ट के पहले माइनस साइन दैट इज नेगेटिव साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन फाइनली, इफ वी मल्टीप्लाई टू सेम साइन दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दो सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस का भी माइनस माइनस का भी, दोनों का प्रोडक्ट जो है प्लस में आएगा, और दो डिफरेंस साइन दैट मीन्स दो अपोजिट साइन, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो उसका प्रोडक्ट जो है फाइनली माइनस साइन में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज इज, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन, यानी नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या अगर इवन हो, या दैट मीन सम हो, देन प्रोडक्ट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इवन देन पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट प्रोडक्ट का। एंड इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड देन देयर प्रोडक्ट इज ए नेगेटिव इंटीजर। एज फॉर एग्जांपल यहां पर 1, 2, 3 नेगेटिव इंटीजर कितना है? 3 इज ऑड, सो द प्रोडक्ट विल बी इन नेगेटिव। व्हेन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड देन odd, then product will be in negative. Here negative integers, number of negative integer is 1, 2, 3, 4, which is even, so the product is in positive. जब negative integers की संख्या अगर even होगा तो positive में result आएगा, product आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या अगर ऑड आएगा यानी विषम आएगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। ऑड
देन नेगेटिव प्रोडक्ट इवन देन पॉजिटिव इन पॉजिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, चाहे नेगेटिव इंटीजर की संख्या कितना भी क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, जैसे वन मोर एग्जांपल, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई अप टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, देन हेयर 100 टाइम्स 100 इज इवन, सो फाइनली वी गेट वैल्यू 1 एज पॉजिटिव। इफ -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई अप टू 251 टाइम्स, हेयर 251 इज ऑड, सो वी गेट फाइनली द वैल्यू इज -1, प्रोडक्ट इन नेगेटिव। व्हेन वन मल्टीप्लाइड एनी टाइम्स वी गेट दस सेम इंटीजर, डेट इज वन। ठीक है, वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा रिजल्ट, यहाँ भी वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या पता करना है तो वो है इवन, तो पॉजिटिव, अगर ऑड रहेगा तो नेगेटिव। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो, दिस चैप्टर्स विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।